आज दिल्ली सरकार ने इनको नेहरू विहार स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर इनको शिफ्ट किया है और हमें ये जिम्मेवारी दी है कि आप इनको खाना पीना तीन वक्त का पहुंचाएंगे, जो कि हम सही तरीके से पहुंचाएंगे। ये जी होना चाहिए, अच्छा क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स है फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इन द गुरुद्वारा? नहीं, ये गुरुद्वारे के अलग हॉल में है, ये गुरुद्वारा प्रिमिसेस गुरुद्वारा के अंदर मत्था टेकने वैसे पर्पस के लिए नहीं आए, इसलिए इनको अलग से पहले दिन से एक हॉल दिया गया, अलग हॉल दिया गया है। फिर भी अगर सरकार कुछ भी कहेगी तो हम उसको भी पालन करेंगे। आपने बताया क्या लोकल SDM या लोकल पुलिस को जानकारी दी गई थी, क्योंकि काफी दो दिन भी अगर ये रहे अपने लोग लॉकडाउन के बाद, तो क्या उनकी तरफ से कुछ आया था कि हम इन्हें बाहर ले जाएंगे, क्वारंटीन में ले जाएंगे? लेकिन क्वारंटीन में तो तब नौबत है अगर कहीं विदेश से आए हों या कहीं से लोग आए हों, ये यहीं के लोग हैं। जैसे बाकी पंजाब देश के आपने देखा कोने कोने से लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे या आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे, वो कोई विदेशों से आए लोग नहीं है, पलायन करते हुए लोग हैं। ये पंजाब के लोग पंजाब को पलायन कर रहे हैं। हमने जो किसी को खांसी भी थी तभी भी डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि हमारा अपना हॉस्पिटल भी है। हमने अपनी एम्बुलेंस से कल रात को भी इनको चेक किया, आज सुबह भी किया है, हमारे डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको तो आपको लगता है कि पंजाब सरकार की तरफ से लैक्सिटी थी? नहीं, पूरी पंजाब सरकार को तो हम बार बार, हमें वो कुछ ना कर पाते लेकिन हमें जानकारी तो देते। उनका यहाँ पे डिवीजन है, पंजाब भवन है, यहाँ पे सारा सिस्टम है, उनका सेटअप है। मैं हैरान हूँ जब एयरपोर्ट पे मेरे को उनके ऑफिसर मिले हैं मिस्टर शर्मा, मैंने उनको कहा, वो कह रहे हैं अच्छा जी कहाँ है, मैंने कहा अरे यार तुम पंजाब सरकार के जिम्मेवार लोग हो और ये पंजाब के निवासी हैं। अगर यूपी की सरकार एक ही दिन में 5,000 बसें भर के ले जा सकती है, अगर बिहार की सरकार अपने लोगों को ले जा सकती है, तो पंजाब की सरकार क्यों सो रही है? उनको भी जागना चाहिए। लेकिन मैं इस दोष विदोष में ना पड़ते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ, हमने अपनी जिम्मेवारी को सही जिम्मेवारी के तरीके से निभाया है। जब ये हमारे पास आए हैं हमने तुरंत प्रशासन की, जो पंजाब सरकार के लोग थे, उनको जानकारी तुरंत दी है। सर, आप और कोई गुरुद्वारा भी है ऐसा इसके अलावा? बसें हाँ भेजी गई थी, बसें भी हमने, दो बसें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमृतसर से भेजी थी। जब उनकी बसें आई थी दो हमारे पास खड़ी थी, हमने वो भी उनको दे दी, लेकिन उसके बाद टोटल सील हो गया, हमारी बसें भी बॉर्डर पर सील खड़ी हैं, कोई आवाजाही नहीं है, इसलिए हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं। सर, इसी गुरुद्वारे के लोग और भी गुरुद्वारे हैं, क्योंकि आप DSGM से चीफ है, आपको बाकी गुरुद्वारे की जानकारी है कि वहां पे किसी गुरुद्वारे में क्योंकि ये सड़क हाईवे के ऊपर है, रिंग रोड के ऊपर है, हमारे किसी भी गुरुद्वारे के अंदर कोई, हाँ हमारे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के अंदर दो परिवार रुके हुए हैं जो कि पिछले 15 दिन से रुके हुए हैं, हमने उनको वहीं का वहीं रखा हुआ है, उनको हटाने की जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो भी लोग जहां पे रुके हुए हैं वो आज से या तो 15 दिन पहले चले गए, नहीं तो अगर कोई एक आधी फैमिली, हमारे पास किसी सराह में नहीं, हमने सारी अपनी सराह जो है वो हॉस्पिटल्स को दे रखी है, हमारी सराह में कोई भी लोग नहीं रुके हुए। नहीं, हमारे पास फॉरेन नेशनल 3 परिवार हैं जो पाकिस्तान से 1.5 महीना 2 महीने पहले आए थे, जो पाकिस्तान से आके जो शर्त ली थी वो हमारे पास है, लेकिन वो 2 महीने 2.5 महीने पहले आए थे, ये बहुत समय पहले से। हमारे पास कोई फॉरेन नेशनल किसी भी गुरुद्वारे में नहीं है, कोई हमारा एम्प्लॉय फॉरेन नेशनल नहीं है यहाँ पे, किसी ने भी आके फॉरेन नेशनल बाहर से आया वो हमारे गुरुद्वारे में नहीं आया। ये जो लोग हैं, फिर से कह दूं, राहगीर लोग हैं, ये सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और हमने जब इनको आए हैं खाना पीना दिया है और सरकार को जानकारी दी नहीं किसी। हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ, कोई गुरुद्वारे को सील नहीं किया, अब गुरुद्वारा प्रिमिसेस में खड़े हैं, ऐसे गुरुद्वारों को बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, हम पूरे देश के सिख, पूरी दुनिया के सिख जो हैं, हम सरकार के साथ काम करने वाले लोग हैं, आपदा में हम अपनी सरकार का साथ देंगे, हम अपने देशवासियों की सेहत की चिंता करने वाले लोग हैं, हम अपनी जान देके लोगों की जान बचाने लोग हैं, हम कोई किसी गलत काम में कभी किसी तरीके लिप्त नहीं हुए ना ही होंगे।